नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंघा साथ और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली कृष्णा नगर घोंडली वार्ड 23E में आई नेहा छाबड़ा जी की लहर। आपको बताते चलें कि जब से नेहा छाबड़ा घोंडली वार्ड 23E से निगम पार्षद की तैयारी में लगी है, दूसरे प्रत्याशियों के तो होश ही उड़ गए हैं, क्योंकि नेहा छाबड़ा का एक ऐसा नाम है जो बहुत अच्छी समाज सेविका है और हमेशा समाज सेवा में लगी रहती है। जब हमने घोंडली वार्ड 23E की जनता की राय पूछी तो जनता फूली नहीं समाई, क्योंकि नेहा जी का बहुत ही अच्छा काम है और घोंडली वार्ड में एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में घोंडली वार्ड 23E की जनता को बहुत जल्द ऐसी निगम पार्षद मिलने जा रही है। घोंडली वार्ड 23E की जनता ने नेहा जी से बहुत उम्मीद जताई है। वहीं नेहा जी ने अपने क्षेत्र की जनता को काम करने का पूरा आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि नेहा जी ने ससुर श्री बलदेव छाबड़ा जी ने भी नेहा की जमकर तारीफ की, क्योंकि बलदेव छाबड़ा जी आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने व्यक्ति हैं। नेहा जी के साथ में रही मोनिका मटलोटिया जी, गिन्नी सचदेवा, पूजा बुद्धिराजा, साक्षी अरोड़ा, मोनिका छाबड़ा, कुसुम अरोड़ा, आशा व क्षेत्र की जनता जो दिल से नेहा छाबड़ा जी के साथ है। दिल्ली से सलीम अंसारी की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं नेहा छाबड़ा जी के कार्यालय में और बहुत अच्छे स्वभाव की लेडीज हैं और यहाँ पर इनका बहुत अच्छा नाम भी है। आइए हम यहीं से बात करते हैं, ये समाज सेविका किस किस तरह समाज सेवा करती है। जी नेहा जी, बताइए आप। नमस्कार जी, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, मैं समाज सेविका हूँ और आगे भी मैं चाहूंगी कि मैं यही काम बहुत दिल से तहे दिल से करती रहूं। अभी हमने जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन पीरियड हमारे सबके लिए आप जानते हैं कि बहुत क्रूशियल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर हमने मतलब हमारा पूरा वो होते हुए भी हिसाब, लेकिन हमने फिर भी घर से राशन वितरण किया गरीब लोगों को, वैक्सीनेशन के लिए उनको आगे लेकर गए, उनको मतलब उनकी हम जिस तरह से भी सेवा हम कर सकते थे वो हमने की। आप इस चीज का मतलब हमारे गली में भी लोगों से आप खुद पूछ सकते हैं। और मैं एक एनजीओ के साथ भी मैंने वर्क किया है 5 साल और मैंने वहां पर भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरी बहुत मेरे को बहुत इंस्पिरेशन वहां से मिली। मैं हमारी जो वहां पे मैडम है उनसे, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी समाज सेविका है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं खुद आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बनी रहूं, क्योंकि मैंने केजरीवाल जी के भी बहुत वो देखे हैं उनके कार्य। उन्होंने जैसे एमटीडी उसमें अपने क्या कहते हैं हॉस्पिटल बनवा रहे हैं उन्होंने, और स्कूल जो कि शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर है, स्कूल बच्चों के लिए, उनके लिए कितना अच्छा है। जो गरीब बच्चे मतलब ऐसी जगह मतलब ऐसी चीज उनको मिल ही नहीं सकती थी, उनके माँ बाप कितने, उनके माता पिता बहुत खुश हैं इस चीज से। और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी रहूँ और मैं भी अपने इस तरह से मैं आगे लोगों के लिए समाज सेवा करती रहूं। और देखिए, जो हमारी एमसीडी है उसमें भी मैं चाहती हूं कि केजरीवाल सरकार ही आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी से जो है वो हमारा सारा ये लुप्त हो गया है। क्योंकि आप देखिए, जैसे गली मोहल्ले में आप देखते हैं जल भराव रहता है ना कितना, और आप देखिए कूड़ा है, कूड़े का कितना वो है, रोज कूड़े वाला नहीं आता है कूड़ा लेने के लिए। लोग इतने परेशान रहते हैं कि उनको ये लगता है कि हम किससे जाके अपनी गुहार लगाएं, ठीक है। तो मैं यही चीज चाहती हूँ कि वो इस कार्य इसमें आकर आम आदमी पार्टी में। नेहा जी, जैसे आप एमसीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी छवि भी अच्छी है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं आपकी, आपके मोहल्ले में हमने सर्वे भी किया है आपका, तो जैसे आपकी जीत हो जाती है तो क्या अपने क्षेत्र की जनता से कुछ आप वादा करना चाहते हैं, जैसे आप क्या क्या करना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, मैं उनसे वादा करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश भी रहेगी कि मैं आगे बढ़कर उनकी सारी चीजों में उनकी सहायता करूँ। मेरा नाम बलदेव छाबड़ा है जी, और मैं छाबड़ा जी, आप नेहा जी के ससुर हैं तो, और आम आदमी पार्टी के आप बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, तो आपको क्या नेहा जी से क्या उम्मीद है आपको? नेहा जी से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये यंग लड़की है और असलियत में मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ के ये अच्छे कार्य करें। जैसे कि जैसे दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों को बहुत बढ़िया बनाया है, इसी तरीके आने वाले टाइम में एमसीडी में आके हम लोग जो एमसीडी के स्कूल है उनको शिक्षा सत्र में बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो जगह जगह कूड़ा, जगह जगह गंदगी, इसे दूर किया जाए और जितनी भी पब्लिक की सेवा हो सके
अंतः मन धन से करे। नेहा बहुत अच्छी है जी, सबकी हेल्प करने वाली है जी। हम इनको 10-11 साल से जानते हैं जी। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। यानी कि आप उनको दिल से चाहती हो और दुआ भी करेंगे? हाँ, हम दिल से चाहते हैं और उनके दुआ भी करेंगे। ठीक है जी, आपका क्या कहना है? मेरा नाम आशा है जी। ये खड़ी होनी चाहिए इलेक्शन में जी, मतलब इनसे आपको काफी उम्मीद है? 100% उम्मीद है जी। आपकी? मेरा नाम कुसुम अरोड़ा है जी। मुझे विश्वास है कि ये बहुत ही अच्छा करेगी ये। मेरा नाम साक्षी है और मुझे विश्वास है ये जीतेंगे और पक्का जीतेंगे। नाम गिनी सेवा है और मैं निया छाबड़ा के पड़ोस में रहती हूँ। हाँ जी, मेरा इंसुलेशन आज का नहीं है, बहुत सालों से है। ये बहुत अच्छी लेडी है, ये खुद नहीं, मैं कहती हूँ इनका परिवार ही बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा हर पल सबकी सहायता करते हैं। ये देखते कि दिन है रात है, कुछ है, कोई भी इनको कोई भी झूठ पड़ती है, हम हमेशा इनके पास आते हैं और ये कुछ नहीं देखते, हमेशा हर किसी की हेल्प के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। हम पूजा बुद्धि राजा है जी। और नेहा से तो हमारा काफी टाइम से फ्रेंड सर्कल भी रहा है और नेहा बहुत अच्छी लेडी है। इनकी जो फैमिली है वो भी काफी हेल्पफुल है और हमें लगता है कि ये वाकई जीतेगी ये बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो मतलब अपने हर जगह पे उनका जो भी कार्य है उससे रिलेटेड हर जगह पे वो सुबह चाहे वो 6 बजे की बात हो या रात की बात हो, हर जगह वो पहुंचते हैं, हर किसी की सहायता करते हैं और बहुत दिल से अपने क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। मैं उनकी केजरीवाल जी की नीतियां और उनके कार्यों को देख के ही मुझे प्रोत्साहन मिली है और दूसरी प्रोत्साहन मुझे मिली है मेरे फादर इन लॉ से, क्योंकि वो भी आम आदमी पार्टी से 8 साल से जुड़े हुए हैं, 8-10 साल से। तो मुझे मेरा भी यही इच्छा है कि मैं भी आगे जाके आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बनकर उनके लिए काम करूं और मेरी भी यही इच्छा है कि मैं जनता की हर बात पे खड़ी हूँ। बिल्कुल सही कर रही है नेहा और इसे खड़ा होना चाहिए और मैं इनको 10 साल से जानती हूँ, बहुत अच्छी लेडी हैं ये नहीं कि ये खड़ी हो रही है, ये वैसे भी लड़की बहुत अच्छी है, शांत स्वभाव की है और सेवा करने वाली है। अभी इसके पास ओहदा नहीं है बट ये बिना ओहदे की भी जो किसी की हेल्प कर सकती है ये पूरी कोशिश करती है कि मैं उसकी हेल्प करूं। इसको ये नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा बट हम सब चाहते हैं हम इसको ब्लेसिंग्स दें और दिल से आशीर्वाद दें, दुआ दें कि ये नेहा छाबड़ा खड़ी हो और हम सबकी मदद करें, क्योंकि हम सब खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा जना आए जो हम सबकी मदद करे और ये सबकी बहुत दिल से सेवा करेगी, सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगी। ये मेरे को यकीन नहीं है 101% नेहा छाबड़ा खड़ी उतरेगी हर चीज में। तो आप सब इन्हें वोट दें, ब्लेसिंग्स दें, अपनी आशीर्वाद दें ताकि ये जीते और हम सबके लिए कुछ करें। तो थैंक यू सो मच। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार।